फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल एम रिव्यू ज्ञान में। इसको ईयरपॉड कहते हैं। तो आज मैं इसको, ये जो फोन है, मैंने इस फोन के यूज के लिए ये ईयरफोन मंगवाया है। वैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो ईयरपॉड है ये और भी फोन को सपोर्ट करता है, लेकिन मैं पर्सनली इस फोन को यूज करने के लिए मैंने ये ईयरपॉड मंगवाया है। तो आज मैं आपको इस ईयरपॉड के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 1900 का, और मुझे ये 1900 रुपीज में मिला है। और मैंने ये आफ्टर यूज करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी, क्योंकि जब मैं यूज करूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये कैसा है और इसकी क्या क्वालिटी है। ये देखिए, ये रहा हमारा जो ईयरफोन है। फ्रेंड्स, इसका जो ये ईयरबड है, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही स्मूथ है और इससे आपके कान में जो है दर्द भी नहीं होगा। आप बहुत देर तक इसे सुनेंगे तो आपके कानों में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ये कानों में पता भी नहीं चलता, इसलिए मैंने ये लिया है। और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बाकी नॉर्मल जो हेडफोन होते हैं उन सब के मुकाबले इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने सोचा कि कॉस्टली तो है बट क्या फ़र्क पड़ता है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैंने ये ईयरपॉड जो है वो मैंने लिया है। और मैं इसका खासियत बताती हूँ आपको। देखिए, इसके साथ में ये यहाँ पे देखिए माइक है, इसमें को फ़ोन टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आप इसमें साउंड मतलब जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहीं से, और यहाँ से आप माइक से किसी से भी फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। और इससे आपको अच्छे से बात होगा, घंटों बात करिए और आपको ज़रा सा भी पता नहीं चलेगा कि आपने ईयरफोन लगाया हुआ है। इस ईयरफोन का जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही इम्प्रेसिव है। आपको इसमें, इसको कान में लगाने के बाद आपको बाहर के साउंड्स बिल्कुल भी सुनाई नहीं देंगे, और ये आपके कान को हर्ट भी नहीं करेगा और बाहर की आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देगी। ये थोड़ा कॉस्टली है बट इसका साउंड क्वालिटी इतना अच्छा है कि आपको इसके कॉस्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही है महंगा जो है, महंगा सामान आप लेते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है आपका। महंगा सामान ज़्यादा दिन चलता भी है और क्वालिटी अच्छा होता है। जैसे आप 150-200 का ईयरफोन भी मैंने लिया है फ्रेंड्स, लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी कभी घड़घड़ आता है, कभी अच्छा साउंड नहीं आता है। और उसका जो ये जो ईयरबड होता है, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा आपके कान को जो है वो मेरे कान को हर्ट करता है। जो ये ईयरपॉड है, ये आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एप्पल के फ़ोन में ही कनेक्ट करके इसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास और भी फ़ोन है, वीवो का और ओप्पो का, मैंने उनमें भी इसको कनेक्ट किया और उसमें भी बहुत ही अच्छा साउंड के साथ मैंने गाने सुने और कॉल पर बात किया इस ईयरफोन के द्वारा। तो ये जो ईयरफोन है वो और भी सारे फ़ोन में कनेक्ट होता है और सपोर्ट करता है ये सारे डिवाइसेस को। ये जो ईयरफोन है वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए है। अगर आपको क्लाइंट से बात करनी है नॉइज़ रिडक्शन के साथ में, तो नॉइज़ फ्री आपको क्लाइंट से बात करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसलिए भी ये ईयरफोन मुझे बहुत पसंद है। तो आप इसे कॉस्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाइए फ्रेंड, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेटर है। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट ईयरफोन है। अगर आपको ईयरफोन लेना है तो एप्पल कंपनी का ईयरफोन लीजिए और ये बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ये जो ईयरफोन है आप ये ईयरफोन एक बार ट्राई करिए। मेरे को इसमें एक बिल मिला है जिसमें ईयरफोन का वेट दिया हुआ है इस ईयरपॉड का, तो आप देख सकते हैं ये 0.114 ग्राम है, बहुत कम वेट है इसका। बहुत ही कैरी करने में आपको ये बहुत ही वेटलेस लगेगा, आपको ज़्यादा भारी नहीं लगेगा कि हाँ मैंने कुछ कैरी किया हुआ है, ईयरफोन पहना हुआ है। तो अगर आपको ये ईयरफोन और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।